चाइना के केमिकल डाई को मात देगी भारत की हर्बल डाई। उत्तर प्रदेश जल्द ही इंडिगो की खेती का बनेगा प्रमुख केंद्र। नेचुरल एवं ऑर्गेनिक डाई के उत्पादक में विश्व की अग्रणी कंपनी AMA हर्बल ने किसान दिवस के मौके पर कोसी रोड स्थित अमरसंडा गांव के किसानों को उन्नत खेती, जैविक खेती, खेती के दौरान पानी की बचत व क्रैश क्रॉप इंडिगो की खेती के प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा। साथ ही यावर अली शाह और AMA हर्बल की टीम ने बताया कि इंडिगो की खेती से जमीन को उपजाऊ बनाकर कैसे फसल को अच्छी पैदावार दी जा सकती है। इसके साथ ही उन्होंने एक उदाहरण के तौर पर जिस जमीन पर इंडिगो की खेती पहले की गई थी वहां पर सरसों की खेती की गई, जिसमें सरसों की पैदावार काफ़ी अच्छी हुई। इसके अलावा जिस सरसों की खेती पर केमिकल का इस्तेमाल किया गया था उसकी पैदावार बहुत कम हुई। इससे साफ पता चलता है कि इंडिगो की खेती किस प्रकार हमारी फसलों को बिना केमिकल के प्रयोग के अच्छी पैदावार देने में सहायक है। साल भर चलने वाले कार्यक्रम के दौरान AMA हर्बल द्वारा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 2000 किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा। भारतीय मानक ब्यूरो के घरेलू प्राकृतिक डाई उत्पादक के लिए सर्टिफिकेशन प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए एक विशेष पैनल के प्रोजेक्ट लीडर कम कन्वीनर के रूप में निर्मित AMA हर्बल को फाउंडर व CEO श्री यावर अली शाह ने कहा कि देश के 5वें प्रधानमंत्री व किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के सम्मान में हर साल 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस किसानों के समाज में उनके योगदान के लिए जागरूकता बढ़ाने, सहायता करने और उन्हें पहचानने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आज की खेती और कृषि अत्यधिक औद्योगिकृत और वैज्ञानिक है और किसान भाइयों को इसके लिए खुद को तैयार करना होगा। लेबोरेटरीज में को-फाउंडर भी हूं, CEO भी हूं। सर, आज किसान दिवस के अवसर पर आपके द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या कुछ कार्यक्रम है और क्या कुछ प्रारूप है? किसान दिवस एक बहुत अहम डे है, जबकि हमारा किसान जो हमारा अन्नदाता है उसका दिवस है, तो सिर्फ उसके बारे में बात होना चाहिए, जो उसके भलाई के लिए हो वो बात होना चाहिए। और अब ये साइंटिफिकली प्रूवन है और सबने देखा है कि केमिकल जो खेतों में इस्तेमाल हो रहे हैं वो किसानों के लिए, खेत के लिए और फसल के लिए, सबके लिए बहुत नुकसानदेह हैं। हम लोग नेचुरल डाइज बनाते हैं और नेचुरल कलर्स, नेचुरल प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। हमारे यहाँ पे जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को प्रमोशन की हमारी ये प्लानिंग है ताकि हम किसान को एजुकेट करें, उनको बताएं कि जब वो जैविक खेती की तरफ जाएंगे, जब वो केमिकल से छुटकारा पाएंगे तो उनके लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी आमदनी के लिए कितना अच्छा है। अभी मेरी कुछ किसानों से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया किस तरह से जो केमिकल उनको लगातार यूज़ कर रहे हैं उससे ज़मीनों की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि वो इतनी यील्ड भी नहीं दे पाते। जहाँ 35 एकड़ पर उनको 5 ट्रक 6 ट्रक आलू मिलता था, अब सिर्फ 2 ट्रक मिल रहा है। तो सिर्फ नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि ज़मीन की जो अपनी ताकत है वो सब ख़त्म हो गई, और ख़त्म इसलिए हो गई क्योंकि लगातार केमिकल इस्तेमाल किए गए, लेकिन आज भी वो केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उनको कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उनको उसके इलाज नहीं मालूम। तो हमारी ये मुहिम है, हमारी ये जो एग्री साइंटिस्ट की टीम है वो पूरे किसानों को ये एजुकेट करेगी कि जो ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती की जो फ़ायदे हैं उससे उनके अपने खेतों में क्या उन्हें बेनिफिट्स हो सकते हैं। और साथ में हम इंडिगो की खेती का प्रमोशन कर रहे हैं। इंडिगो खेती जो कि एक पहले पुराने ज़माने में इस इलाके में हुआ करती थी, लेकिन अंग्रेज़ों के बाद वो हट गई और पूरा का पूरा खेती साउथ में चली गई। तो ये क्रॉप जो यूपी की ओरिजिनल थी वो यूपी में वापस लाना, ये हमारी मुहिम है। और हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को 2 साल से यहाँ उगा रहे हैं और इसी ज़मीन पे जहाँ आप खड़े हुए हैं हमने उसको इस तरह से इस्टेब्लिश कर लिया है कि हम इसमें किसान को मेहनता से ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं, कम समय में लग सकता है, आसानी से लग सकता है। और सबसे बड़ी बात जो इसको बिकने की प्रॉब्लम होती है, हम सबसे बड़े ख़रीदार हैं इंडिगो के और हम यहीं पर बैठे हुए हैं, सारा प्रोडक्ट हम खरीद सकते हैं। तो हम इसी चीज़ को प्रचार कर रहे हैं, उन लोगों को बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें और हम जैविक खेती को प्रमोट करें जो किसान की अपनी आमदनी और अपनी बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं AMA लेबोरेटरीज़ में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ में प्रेजेंटेशन पर काम कर रहा हूँ। आज का प्लान ये है कि हम अपने किसान भाइयों को एजुकेट करें जैविक खेती और केमिकल ना यूज़ करने वाली खेती के बारे में। किसान दिवस के साथ ही आज इंडिगो दिवस भी है और हमारा प्लान ये भी है कि इंडिगो खेती के बारे में फिर से बताया जाए किसानों को। इंडिगो खेती इस बेल्ट पे 100 साल पहले से होती आई थी, उसके बाद किसी कारणवश वो बंद कर दी गई। हमारा प्लान ये है कि इसको फिर से इस बेल्ट में लाया जाए, इसके फ़ायदे के बारे में हमारे किसान भाइयों को बताया जाए। हमने यहाँ पर कई तरीके के एक्सपेरिमेंट करे, साइंटिस्ट के साथ काम करा, साइंटिस्ट और यहाँ के जो किसान हैं उनके साथ फील्ड पर काम करके हमने देखा कि इंडिगो एक ऐसी फसल है जो कि ना कि ज़मीन को ताकत वापस देती है बल्कि उसके साथ जो भी क्रॉप उगाया जाता है उसको भी वो बेहतर कर देती है। हमने मेंथा के साथ, सरसों के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखा, मेंथा को इंडिगो के साथ उगाया, सरसों को इंडिगो के बाद उगाया, दोनों तरफ हमने देखा कि इंडिगो के साथ और इंडिगो के बाद उगाने जाने वाली जो मेंथा और सरसों थी वो ज़्यादा लाभ थी बल्कि उसके साथ जो कि नहीं उगाई गई। इंडिगो एज अ क्रॉप उसका फ़ायदे बहुत सारे हैं। जैविक तरीके से उगाया जाए तो यूरिया DAP का कोई यूज़ नहीं होता, पानी कम यूज़ होता है, कोई कीड़ा जैसी चीज़ इसमें नहीं लगती। और जो हमारे किसान भाई जिन्होंने इस पर साथ में हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में काम करा उनका यही कहना है कि हाँ,
इस चीज़ को अगर हम प्रमोट करें, इसको और एक्सपेरिमेंट करके और लोगों तक बस बात पहुँचाएँ, तो किसान भाइयों का फ़ायदा होगा, ज़मीन का भी फायदा होगा, जिसका फोकस आजकल पूरी दुनिया का है। थैंक यू। चैनल देशपर्दन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।